जो कि म सोचेको पनि थिएन कि यो डेट सेट बन्छ भनेर, तर आज म नि ज्वारा सुरुदेखिको के अरे टुप्पोदेखिको फेससम्मको म प्रत्येक कम्पोनेन्ट्स थाहा पाएँ म यो मोबाइलको सर्किटको, र म आज यति खुसी छु कि म लाइफमा सोचेको पनि थिइनँ कि यो डेट सेटहरू बन्छ। जस्तो कि म धेरै होइन एक साल जति दोकानमा काम गरेँ, तर यो डेट सेट आउँदाखेरि म रिटर्न गरिदिन्थेँ क्या, कस्तो पनि हिट हालिदिन्थेँ पठाइदिन्थेँ। बीटेक का स्टूडेंट हूँ। ओके, पूरा बीटेक डन है तुम्हारा? यस सर। स्टूडेंट हो अभी? नहीं नहीं सर, बीटेक इंजीनियर हूँ। एमटेक भी कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाओ। हार्ड काम भी इजी तरीके से ऐसे बताते हैं, हर एक टीचर इजी तरीके से बताते हैं, ये बहुत हमारे हिसाब से बहुत ईजी है। मतलब मैं 10 साल से काम करता हूँ इस फील्ड में, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने का भी एक गुण होना चाहिए जो कि सर में है। और थैंक यू अप्लाई के साथ, डायग्राम के साथ, हर चीज का, हर चीज, आईसी का डाटा सीट, डबल डेकर तक, डबल डेकर का, और देखो आईसी का डाटा सीट। साथ में आपको बताऊं टेक्निकल को बूट सिक्वेंस, क्वालकॉम का बूट सिक्वेंस यहाँ पे आप डालेंगे। ये देखिए पूरा, ये पूरा हैंड रिटन जो मैंने नोट किया का इंटरेस्ट बहुत है। पहले मैं सोचता हूँ कोई भी आईसी एक दिन में कोई ट्रिक बता देगा ना, और दूसरे दिन एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीन दिन में हो जाता है। लेकिन थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत थ्योरी होएगा ना, आप एक साल में आपका हैंड स्किल अपने आप हो जाता है। बहुत 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 अच्छी बात कही दिल्ली में। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा मैं जो सीखना है तो वहीं सीखना है, ऐसा बन गए थे यहां है ना। जबकि वीडियो तो दिल्ली के भी देखते होंगे। वीडियो पूरा रिव्यू लिया मैंने, सभी इंस्टीट्यूट का रिव्यू लिया, तभी जाके मैंने यहां सेलेक्ट। तो बच्चों लाइट आईसी हो, आपने ग्राफिक्स आईसी हो, आपने नेटवर्क का आईसी हो, आपने रिंगर का आईसी हो, या फिर मैं बात करूं हर आईसी उठाया कि नहीं? सर हर एक आईसी उठाई, और मेन चीज क्या है सर, हर एक आईसी उठाना ही जरूरी नहीं रहता है कि वो जिंदी है कि नहीं, डीएसओ तो किसी ने चर्चा नहीं कि मैं उसकी चर्चा में कर, उससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारी आईसी सही है कि नहीं है। नहीं तो कई लोग उठा के ही बैठ जाते हैं। इवन आपने डीएसओ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने उसके डाटा सीट भी बनाया। बिल्कुल सर। अब मुझे बताइए क्या हमने सिर्फ आया लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, नेटवर्क आईसी, WTR, SDR सिर्फ उठाया, या अंदर का पाइपलाइन भी बनाया? डाटा सीट किस किस ने बनाई बताओ, सबसे बनवाई है बताओ। तो अभी आप सेटिस्फाई है कि नहीं बताओ? पूरा पूरी हो गए सेटिस्फाई। पूरी बंगाल के लोगों को क्या बोलोगे? जरूर, मैंने बंगाल के जो तो मिस्त्री आछे, एकदम टेक्नीशियन आछे, आई बोलो एखाने आसले किसने सीपीयू लगाया, पावर लगाया, किस किस को डेट सेक्शन समझ में आया? ये देखो 90% पीपल जो इंस्टीट्यूट है, पहले दिन बच्चों से MMC का काम करवा रहे हैं, MMC ब्लैक पेस्टर उठवा रहे हैं पहले दिन, ब्लैक पेस्टर 90%, ये कोई बात बनती है क्या? हमने आईसी उठाई नहीं और सीधा पेस्ट काटना चालू कर दिया, कोई मतलब नहीं है। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम ये सिखा रहे हैं, वो सिखा देंगे। तो सर फिर मैंने आपकी वो वीडियोज़ देखी, तो आपकी नॉलेज देख के मुझे समझ में आया कि कोई बंदा है इंडिया में तो यही है सर। अच्छा। बस क्योंकि वो प्रो नॉलेज मुझे लगा कि हाँ इस लेवल पे जाया जा सकता है कि जिसमें स्कीमेट्स की इतनी नॉलेज हो, फिर हार्डवेयर की इतनी नॉलेज हो, जो देख के बंदा बता रहा है हाँ बोर्ड में यहाँ पे फॉल्ट है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। मैंने बहुत जगह भी ट्राई किया है पर उतना सेटिस्फाइड नहीं था। अच्छा, तुम बहुत जगह गए हो कि तुम ऐसे डेमो लेके आया पर तुमने इसे टेलीकॉम को क्यों ऐसा चुना? सर एंडलेस चाहिए था, बोल के आया था एंडलेस बोल के। तो अभी क्या मतलब, अभी मैं अगर बात करूँ 27 तारीख से अब तक का सफर में, बताओ अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि घर जाओ मार्केट में, तो आप क्या क्या काम कर सकते हो मुझे बताइए? बहुत कुछ, अभी तक जितना सीखा हूँ उतना तो पूरा कर लूंगा। हार्डवेयर में अगर डेट डायग्नोस की बात करूँ, आज डेट डायग्नोस की क्लास थी, आज मुझे बताओ डेट डायग्नोस की
सर डेड डायग्नोस में तो अभी कौन सा आदमी छोड़ूंगा नहीं अब। सच बताइए सच में, क्योंकि इससे पहले डेड डायग्नोस कैसे देखते थे? पीसीबी देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? पूरा नजरिया पूरा बदल गया। तो आज डेड डायग्नोस आप देखते हो तो हिट तो नहीं मारोगे यहाँ पर? नहीं सर बिल्कुल। हर आईसी का वोल्टेज इन आउट पता है कि नहीं पता है? इन आउट। यहाँ पर हमने डेड डायग्नोस यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पर हमने इतने सारे सेटों में जो डेड डायग्नोस किया है ये किसके सेट है बताओ? सर ये सब स्टूडेंट के सेट है। और यहाँ पर जो डेड सेट को डेड डायग्नोस जो किया है वो टेक्निक कैसे लगी आपको? सरल लगी कि कठिन लगी? सर सरल सरल लगी बहुत। और बहुत डीप लेवल पे गए यहाँ पर? अभी यहाँ डीप लेवल पे गए हैं और अभी मोबाइल देखने के बाद एक दो तीन रीडिंग देखने के बाद ही हम पूरा प्रॉब्लम देख लेंगे और सॉल्व कर। अभी इसके बाद पर अभी देखो कितना फायदा है कि आपने जो भी मेरे से थ्योरी समझी या जो भी आपने लाइव प्रैक्टिकल देखा उसको आप खुद प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इसका पूरा टाइम हर समय मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल सर, दिन के 12-12 घंटे करते हैं सर। सुबह 6-6 घंटे हमारे थ्योरी होती है, बाद में और 6 घंटे प्रैक्टिकल लैब में हम करते हैं पूरा प्रैक्टिकल यहाँ से सीखने के बाद जाके। और प्रैक्टिकल लैब में ऐसा है कि हर एक कंपोनेंट है, हम हर एक इंस्ट्रूमेंट है उस, और कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट खराब भी हुआ तो साथ ही पूरा रिप्लेस बदल के देते हैं, बदल के देते हैं पूरा इंस्ट्रूमेंट। मुझे बताओ कि ऐसा टेलीकॉम में अगर कोई आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल सर, यहाँ जो अगर सीखना है मार्केट में अगर आगे जाना है तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, यहाँ बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ पे आप देखो पिछले कमरे में कुछ 3-4 स्टूडेंट भी बैठे हैं 2019 के भी। कौन है वो? सर वो 2019 के स्टूडेंट है, अभी बैकअप क्लास है उनका। कोई पैसा नहीं लिया उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, एक भी पैसा नहीं लिया उनसे अभी आए बैकअप क्लास। खुशी होती है कि नहीं होती? बहुत खुशी सर, हमें सपोर्ट इंटर करवाया आपके लिए? हाँ करवाया सर, करवाया। तो तीन जनों आए थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन एमडी सर ने, तो उनसे खुशी क्या मिली कि मतलब ये पुराने लोगों को भूलते नहीं है? कल को मेरे को दिक्कत आई तो ये मुझे बुलाएंगे? यस सर पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है भाई। हाँ और डेमो भी लेके आया सर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। जी जी ठीक है सर, यहाँ पहले दिन ही पता चल गया क्या सीखना है। सच बताओ? सच में। तो आपको आपको लगा कि आप सब जगह जा चुके हैं पर ऐसा टेलीकॉम रोल हो, ये लाइन को छोड़ना नहीं था मेरे ख्याल से आपको, इसलिए आप अपने आपको? जी सर आगे अपडेट होना, क्योंकि आप अगर एक दो जगह गए नहीं सीखे तो हो सकता है कई बंदे ऐसे टाइम पे लाइन को छोड़ देते हैं। जी वो सोचते हैं कि जब एक दो नहीं सिखा रहे तो कोई भी नहीं सिखा रहा है, राइट? हमारे परिवार में एक दो थे सर, उनने लाइन बदल दी अब। अच्छा। कुछ करते हैं मोबाइल लाइन में थे अंकल। हाँ। उन्होंने जैसे डबल डेकर सीपीयू वगैरह जैसे आए वो नहीं कर पाए, उन्होंने लाइन ही छोड़ दी। उन्होंने फिर उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे टेलीकॉम ट्राई। उन्होंने क्या देखा ऐसा, क्यों बोला? सर आपके वीडियो है आप देखते हैं, सब्सक्राइबर आपके वो देखते हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार वहाँ जाना। तो सर वीडियो अब मुझे बताओ पहले दिन से अब तक में कितना अंतर है तुम्हारे में? बहुत अंतर, बहुत कुछ। अपने अपने मार्केट में अपना नाम कर सकता हूं। कर सकते हैं। और आज डेड डायग्नोस कैसा लगा आज की बात? बहुत शानदार सर, डेड डायग्नोस। अभी क्या सोच के आए थे सवेरे? सवेरे सोचा कुछ ऐसा एक नॉर्मल बता देंगे जो अभी तक करते हैं। हाँ, वही 3.7 वोल्टेज, वही मैं बैटरी में सबसे पहले 3.7 पावर निकाल के। एक बार भी मैंने बैटरी चेक की है? नहीं सर नहीं, वो मेन कंसेप्ट तो काम ही नहीं डेड डायग्नोस। बैटरी का कोई पहले बार ही आके सबसे पहले बोला कि बैटरी का कोई भी काम नहीं है, बैटरी का काम नहीं है। और सर देखना हमें पोर्ट बना रहा नहीं बना तो अभी रहा अभी देखने का नजरिया अब डैड का कैसा है सर? सब बहुत चेंज हो गया हूं। बहुत अंदर चेंज हुआ है। फीलिंग होती है कि अब तो कर अब भाई अब सीपीयू को चेक करना है एमएमसी या पीएम या पीएमआई जो पहले हम अपने डायग्नोस से पता कर लेंगे सर। अभी पहले क्या तो नहीं करेंगे? नहीं सर। क्या बोलना चाहोगे लोगों को जो हीट कर रहे हैं और क्यों आए वो यहाँ पर? सर एक बार यहाँ आके जरूर देख। डेड डायग्नोस की क्लास बहुत टफ थी। क्या थी? बहुत टफ थी, बहुत टफ थी। सोचा नहीं सरल बना। सरल बनाने वाले कौन है सर? सर मैं जो आना चाहता हूँ उनको उनकी हमारी उनको शुभकामना आए एक बार डेमो क्लास में आके देख लो उनको यूं ही पता चल जाए। भाई तुम पैसे देके बैठे हो ना यहाँ पे? हाँ सर। फ्री में तो कोई बैठा नहीं है? नहीं सर। हाँ तो एक बार आके देख लें तो सब पता चल जाए। आपके सारे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब है उनको अनसब्सक्राइब कर दिया सर मैंने, जितने उनसे सीखता था। अब कोई बात नहीं, गलत नॉलेज लेके कोई मतलब नहीं मानेगा। बिगाड़ना मोबाइल कस्टमर का गाली सुनना हो तो उनको कोई नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? हेलो, मैं सलाम जाहिद याकूम फ्रॉम कश्मीर सर। बीटेक का स्टूडेंट हूँ। ओके, पूरा बीटेक डन है तुम्हारा? यस सर। स्टूडेंट हो अभी? नहीं नहीं सर, बीटेक इंजीनियर हूँ। एमटेक भी कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक्चुअली सफर मेरा ये है सर कि मार्केट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। हाँ। जब मैं आसपास देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सारे सेट घूम फिर के आ रहे हैं। तो दो चार टेक्नीशियन जो थी मैं उनसे पूछा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये नहीं बन पा रहे हैं। हाँ जी। हमसे हमारी ये नॉलेज नहीं थी, हम वो करते थे पहले वो कीपैड वीपैड वाले सेट। मैं कहा कुछ तो सोल्यूशन होगा। हाँ।
तो वो नहीं बता पाए सर okay. तो फिर मैंने खुद सर्च करने लगा कि क्या है क्या नहीं है, तो पता चला बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम ये सिखा रहे हैं वो सिखा देंगे जी, जी, जी. तो सर फिर मैंने आपकी वो वीडियोस देखी जी. तो आपकी नॉलेज देख के मुझे समझ में आया कि कोई बंदा है इंडिया में तो यही है सर अच्छा. बस क्योंकि वो प्रो नॉलेज मुझे लगा कि हाँ इस लेवल पे जाया जा सकता है कि जिसमें स्कीमेट्स की इतनी नॉलेज हो, फिर हार्डवेयर की इतनी नॉलेज हो, जो देख के बंदा बता रहा है हाँ बोर्ड में यहाँ पे फॉल्ट है, तो वो चाहिए था सर. वो एक विश्वास लेके मैं घर से निकला था, कलों को देखी कि एक महीना मुझे दे दो. मैंने छः महीने पहले 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 कॉल किया तो क्या बोले थे उन्होंने सर, कि यहाँ आने के लिए तैयार हो गए थे? वो तैयार हो गए पहले छः महीने पहले मैंने कॉल की, लेकिन टाइम नहीं मिला सर. ये काम वो काम वो काम, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, तो नहीं मिला. किसी ना किसी तरीके से कोई कोई बहाना कहीं ये गैप ढूंढ दी बस एक महीने के लिए. तो सर को पिछले महीने के पहली की दूसरी तारीख को कॉल की सर, अगली यस सर एम डी सर को कॉल की अगले महीने मेरे. तो मैम ने कहा कि आप टिकट वगैरह कंफर्म करो. अगले दिन मैंने टिकट कंफर्म करवाई सबको ये बताने के लिए ताकि मुझे कोई झूठ ना बोलना पड़े. टिकट दिखा के मैं बताऊँ यहाँ मैं अगले महीने यहाँ पे नहीं रहूँगा. हाँ जी. तो कंप्लीट ये एक महीना हर किसी से मांग के कि मैं एक महीना यहाँ नहीं रहूँगा. तो उसके लिए प्रूफ तो चाहिए था क्योंकि सर जुबान पे कोई मां मानता नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा. उसके लिए मैं टिकट दिखाता था, देख भाई टिकट है मेरे पास मुझे जाना है. तो एक महीने यहाँ देखिए गैप. एंड यहाँ जब पहुँचा सर, जब मैंने तीसरे दिन पावर लगाया तो मैंने कभी नहीं सोचा. तो मैं बस ये सोचने लगा कि मेरी मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इंशाल्लाह. यहाँ से जाके जितने भी सेट हमें घूम फिर जो हम कह रहे थे हम नहीं बना पाए, वो निकल गया सर, निकल गया. उनको भी ये बात करने का मौका मुझे मिलेगा कि भाई ऐसा होता है, हाँ जी हाँ जी, ये सीखा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो किसी एक ने किया. नेगेटिविटी बहुत है इस मार्केट में, बहुत ज्यादा. और पता क्यों है? मैं बता क्यों है, क्योंकि वो भी तीन चार इंस्टीट्यूट में अपना देकर नहीं सीखे और वो समझ रहे हैं कि जब मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पैसा देकर नहीं सीख पाया हूं तो ये मार्केट में कोई भी काम नहीं. और बता वो लोग क्या बोल रहे हैं? मैं बताऊं, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं बोलूंगा, गुजरात के, और ये बोलते हैं कि भाई मैंने 20 साल लगाया इस मार्केट में तो मैं भी 20 साल लगाने पड़ेंगे तब तुम तो मेरे जैसे बनोगे. मैं बोलता हूं कि ऐसा नहीं है. मैंने अपना पूरे सालों का कैरियर का पूरा तुमको यहां निचोड़ करके दिया कि नहीं दिया? बोलता नहीं था कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर. और आज अगर मैं देखूँ तो आज अगर मैं कैसे डायग्नोस करूंगा वैसे तुम भी डायग्नोस करोगे. तो ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत होगा कि तुम्हें 20 साल लगेंगे. हाँ तो वो बंदे नेगेटिव और पूछना चाहूंगा आपसे मैं. यस सर. कि देखो आप प्रोफेशन से इंजीनियर. यस सर. ठीक है सर, प्रोफेशन से इंजीनियर सर. ठीक है, फील्ड अलग था सर. दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया पहले दिन से कंपोनेंट की नॉलेज से, क्योंकि जब आपको बेसिक नहीं पता हो तो हम जड़ तक नहीं पहुंच पाते. तो कोई फ्रेशर भी हो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी से सिखाया जाता है. कोई फ्रेशर ही है कभी लाइफ में एसएमडी छुई है? नहीं, नहीं. वो हाथ उठाओ जितने एसएमडी नहीं छुई लाइफ में. ये देखो अब आप बताओ, आप में से जितने हाथ उठाया किसने सीपीयू लगाया है, पावर लगाया है, किस किस को आज डेट सेक्शन समझ में आया? ये देखो सब प्रो बने हैं सर. हम अब ये कहें अभी कि अगर 20 सर हमारे सर की एक्सपीरियंस है, हम 20 प्लस अब बनने वाले हैं. बिल्कुल 20 प्लस बनने. सारी नॉलेज ने ट्रांसफर की अभी हम तक, हम कितनी मेहनत करते हैं उस चीज पे. और इंशाल्लाह डेली लाइव क्यों आते हैं हम? बट हम चाहते, सुनिए हम चाहते तो आपको लाइव आपके चेहरे दिखा के बंद कर देते. हम चाहते तो आप काम कर रहे होते दिखाते 4 मिनट बंद कर देते. रात में पूछ रहे हैं आपसे कि पहले रुक जाओ इधर आओ जाके पहले बताओ. तुम चाहते तो बोलते नहीं सर मेरे को आज समझ में नहीं आया. या लाइव आने से पहले भी बोल सकते थे नहीं सर पहले प्लीज मेरे को दो कंफ्यूजन है ऐसा. सर इसलिए लाइव आते हैं क्योंकि हम यहाँ से जाके सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं जी, और हर एक सेक्शन जो भी हमने अभी तक पढ़ा चाहे लाइट सेक्शन ग्राफिक्स सेक्शन, हर एक सेक्शन जो अभी तक आए हमारे डेड सेक्शन तक, यहाँ तक हमें अभी एक दो क्लास और बाकी हैं सर हार्डवेयर के, सारे सेक्शंस की ट्रेसिंग हम वहाँ पे करते थे. एक एक कंपोनेंट की ट्रेसिंग एंडलेस, आईसी टू आईसी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही. अब ये नहीं है सर कि किसी एक लाइटिंग सेक्शन में फॉल्ट है, हम किसी और सेक्शन को हीट मार रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं था. कोई खोल के बैठा हुआ है, कुछ नहीं, कोई पावर खोल के बैठा हुआ है, कोई सीपीयू खोल के बैठा हुआ
हुआ है, 90% शूट के यही हाल है, हर एक चीज यही है, पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। वजह यह है कि नॉलेज ही नहीं था। अब जब नॉलेज परफेक्ट है तो आप उसी सेक्शन को ढूंढोगे जिस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत है। सेक्शंस को समझाने का तरीका कैसा रहता है? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन किया है, और ये एक दिन में नहीं होगा सर, इसको ट्राई करना होता है तब आप इतना परफेक्टली सिलेबस बना पाते हो। जब इंस्टीट्यूट में अलग अलग चीजें ट्राई करते हो फिर आपको पता चलता है हमारी कमजोरी इस जगह है, उस जगह आप ठीक करते हो, तब जाके इस तरह ये सालों के एक्सपीरियंस के बाद ऐसा कोई हमें देखने को मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, ऐसा पॉइंट दिमाग में नहीं आता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात कही, 90% जो इंस्टीट्यूट है पहले दिन बच्चों से MMC का काम करवा रहे हैं, MMC ब्लैक पेस्टर उठवा रहे हैं पहले दिन, ब्लैक पेस्टर 90%, ये कोई बात बनती है क्या? हमने IC उठाई नहीं और सीधा पेस्ट काटना चालू कर दिया, कोई मतलब नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहले दिन इस बोर्ड पे दिल्ली सीधा पहले दिन, दूसरे दिन में आके डायग्राम खोल के चार्जिंग सेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? अभी तुमको पहले दिन चार्जिंग सेक्शन खोलता तो कुछ समझ में आता क्या? इसलिए वो भाग कर वापस यहाँ आ रहे स्टूडेंट। कुछ नहीं, इसलिए जब इस बोर्ड पे कोई भी नजर मारेगा तो उसको पता चलेगा हाँ ए से स्टार्ट हो रहा है तो जड़ पे खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह जब हम 23rd को यहाँ से जाएंगे तो ए से जड़ तक नॉलेज लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, क्या नाम है, किधर से हो? नेपाली? हाँ नेपाल, नेपाल के। चलो क्या नाम है? और तो नेपाली में बोला बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोलो। ठीक है बोलिए। मेरा नाम बाबूराम चौधरी। आज डेट सेक्शन का अनुभव बताना आप लोगों को, मुझे बताइए। मेरा नाम बलराम मंडल हो, म नेपालबाट। मेरा नाम सुमित भंडारी हो, म नेपालबाट। मेरा नाम अजय कुमार चौधरी, म नेपालबाट। नेपाल में भी कहाँ कहाँ से, थोड़ा ये बता दो स्टेट, मतलब तुम्हारा शहर कौन कौन सा? मेरा नाम अनिल सिंह हो, म नेपालबाट हो, बर्दिवास, महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासबाट। जिल्ला बताओ। मेरो चाहिँ के अरे नेपालको सुनसरी। सुनसरी, आप कहाँ से सर? म नेपालको सुनसरी जिल्ला बरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 प्रकाशपुरबाट। म नेपालको काठमाडौँबाट। काठमाडौँ से म नेपालको सुनसरीबाट। ओके सो मुझे यहाँ से शुरुआत करेंगे, मुझे बताओ आज डेट सेक्शन तुम पाँच लोग हैं, पाँच लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एकदम राम्रो। आजको डेट सेक्शन जस्तो सोचेको थिएँ त्यो भन्दा 100 गुणा ज्यादा आयो आजको सेक्सनमा पायौँ हामीले। कसरी भन्दाखेरि हामीले पहिला बोर्ड हेर्थ्यौँ, पल्टाउँथ्यौँ, ओर्थ्यौँ, के गर्नुपर्ने दिमागमा आउँदैन थियो, रिटर्न गरिदिन्थ्यौँ। तर आजको जुन यो क्लास पायौँ यसबाट चाहिँ एउटा पनि सेट अफ फर्केर चाहिँ जाँदैन, यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु। कि यो ग्यारेन्टी किन दिन्छु भन्दाखेरि मैले जुन ठाउँबाट नलेज लिएको छु त्यो भनेको A to Z नलेज, एदेखि जेडसम्मै दिने नलेज हो। र आजको क्लास लिएर मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि जस कम्पोनेन्ट होइन, मोबाइललाई कसरी हेर्ने, मोबाइललाई कसरी केबाट स्टार्ट गर्ने, फल्ट फाइन्ड गर्नलाई कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म आज फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ। मैले काम गरेको भनेको यो फिल्डमा लगभग 9 वर्ष भयो तर मलाई यतिसम्मको ज्ञान थाहा थिएन, र यहाँ आएँ मेरो दिमाग यति फ्रेस र यति क्लियर भयो योसँग रिलेटेड भएर। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु एउटा कुरा, जो पनि नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, अब छन त नेपालमा पनि धेरै इन्स्टिच्युट छ, मैले पनि काठमाडौँमा एउटा इन्स्टिच्युट थियो, एक दिन डेमो क्लास गरेँ तर मलाई त्यहाँको पढाउने शैली अथवा के भनौँ समथिङ मिलेन। तर म यहाँको सरको सिप लाइभ भिडियो जुन बनाएर हाल्नुहुन्छ युट्युबमा लाइभ भिडियो हेरेर उहाँको बोल्ने शैली, पढाउने शैली, भन्ने शैलीले यति इम्प्रेस भए कि म आएर यहाँ जोइन भएर र नलेज यति गेन गरिसकेँ कि अरू लिन बाँकी नै छ, तर मैले अब यति धेरै नलेज लिइसकेँ कि अबको सेटहरू फर्केर त जाँदैन मेरोबाट चाहिँ। मेरो नाम बलराम मण्डल हो। आज हाम्रो डेट सोलुसन थियो जो कि म सोचेको पनि थिइनँ कि यो डेट सेट बम छ भनेर, तर आज म नि ज्वारा सुरुदेखिको के अरे टुप्पोदेखिको फेदसम्मको म प्रत्येक कम्पोनेन्ट्स थाहा पाएँ म यो मोबाइलको सर्किटको, र म आज यति खुसी छु कि म लाइफमा सोचेको पनि थिइनँ कि यो डेट सेटहरू बन्छ। जस्तो कि म धेरै होइन 1 साल जति दोकानमा काम गरेँ, तर यो डेट सेट आउँदाखेरि म रिटर्न गरिदिन्थेँ क्या, कस्तो पनि हिट हानिदिन्थेँ, पठाइदिन्थेँ म।
आज हाम्रो डेट डाइजेस्टको क्लास थियो, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो स्पेसल भएको छ सर यहाँ एसिया टेलिकममा। म योभन्दा पहिला म काठमाडौँमा पनि मेरो पसल नजिकै एउटा इन्स्टिट्युट थियो, म नाम भन्न चाहन्न, म त्यहाँ एक हप्ता जति म गएको थिएँ ट्रेनिङमा, तर त्यहाँ जे होस् यो पढाउने शैली क्लियर थिएन, त्यहाँनिर जुन कम्प्युटर नलेज डाइरेक्ट थिएन क्या, त्यहाँ तर डाइरेक्ट अब आइसीमै काम थियो, डाइरेक्ट तपाईँको डाइरेक्ट अब आइसी निकाल्ने काम थियो, त्यही पनि तपाईँको अब iPhone 6 आइसी निकाल्न लागेको थियो मेन आइसी, अब त्योबाट चाहिँ अब त्यो क्लियरै थिएन, मलाई समझै आएको थिएन, अनि तर म सरको म भिडियो पहिलेदेखि फलो गरिरहेको थिएँ होइन, अनि त्यहाँ सर एकदम मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो स्पेसल हुन्छ जस्तो लाग्यो, जे सोचेर आएको थिएँ त्योभन्दा हजार गुणा मलाई यहाँ पाएँ मैले, यहाँ म एकदम थ्याङ्क्यु भन्न चाहन्छु एसिया टेलिकम देव सरलाई। आज हाम्रो डेस्क क्लासको सेक्सन थियो डेस्क सेक्सन, र मैले पनि सिक्ने एउटा निर्णय लिएको थिएँ, किनकि मैले पनि 4-5 सालबाट काम गर्दै थिएँ होइन, अनि भन्दै इन्स्टिट्युटहरू यहाँ छ त्यहाँ छ साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, र मैले बाबुराम सरले यहाँ जाउँ भनेर सजेसन दिनुभयो, र म पनि एसिया टेलिकममा आइपुगेर मैले देव सरको क्ला युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर हेरेको थिएँ, र त्यहाँ धेरै राम्रो राम्रो तरिकाले देव सरले यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ भनेर राम्रो तरिकाले सिकाउनु भएको थियो, र म प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ एसिया टेलिकम आइसकेपछि मलाई थाहा भयो कि सरले यति राम्रो पढाउनुहुन्छ कि भनेर, हामीलाई धेरै भन्दा भन्नाले नलेजहरू एकदम नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले दिनुहुन्छ, र आज डेट क्लासको सेक्सन थियो भने किनकि हामी पहिला डेट सिक्सन आउँदाखेरि डेट मोबाइल आउँदाखेरि यताउति हेर्छु मोबाइल पढाउँछु र के गर्थ्यौँ हिर्सिट हानेर पठाइदिन्थ्यौँ होइन, त्यही भएर अब चाहिँ यहाँबाट गइसकेपछि के भन्छ जस्तो क्लियरली तरिकाले अब नलेज भन्नाले टेक्नोलोजी तरिकाले कहाँबाट कसरी चेक गर्ने भनेर डिसी मेसिनले हामीलाई थाहा हुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अभी 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 क्या है, बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोग बैठ जाइए प्लीज़, मैं आप सबसे पूछूंगा तो आप सब लोग जवाब देने तैयार हैं कि नहीं, पर मैं नहीं चाहता मैं इनका टाइम वेस्ट करना, क्योंकि ये चीज़ मैं हमेशा मैं इनको अगर रिसेस भी देता हूं तो मुश्किल से 15 मिनट की देता हूं, आज तक कभी बताओ हमने 1 घंटे की रिसेस दी है क्या, जबकि एक इंस्टीट्यूट 2 घंटे बाद भूल जाता है बच्चों को। एक बार मैं ज़रूर बंगाली के लोगों को भी यहाँ पर बंगाल के लोगों को भी थोड़ा संबोधित करना चाहता हूँ अपनी भाषा में, बताओ आज डेट सेक्शन और थ्रू आउट क्या रहा सर। सर अपना वरुण कर्मकार कोलकाता ब्रह्मपुर थे। বলছি ডেট ডাইজেস্ট বলতে গেলে আমরা যেটা বুঝতাম সেট আসতো ভোল্টেজ চেক করতাম, হয় গিয়ে সফটওয়্যার মারলে সফটওয়যার দিলে সফটওয়্যার হতো না হতো না, আমরা এসে ওয়াশপাস করে হিট পিট মেতাম এইটুকু, এর বেশি কিছু জানতাম না, কিন্তু এখানে এসে এরকম চুজ করে যে এত মডিফাই আমরা নিজেকে চেঞ্জ করতে পারছি, নিজেকে বুঝতে পারছি আগে চোখের সামনে যেটা যে কোথায় কী ভোল্ট কোথায় কী ডায়াগনোস কোথায় কী ফল নর্মালভাবে যে আমি বুঝতে পারবো যে কাজ করে দিতে পারবো এখন, মানে অসাধারণ, মানে এর মতো কিছু বলার নাই, যে এখন পর্যন্ত পাওয়ার সেকশন থেকে বিএসআই বিএস ভিব্যাট ভিপে কোথায় কি লাইন যাচ্ছে, এই যে মোবাইলে যে কি র্যাম কেমন র্যামের ভোল্টেজ সিপিইউ ভোল্টেজ কোথায় কি ব্যাক ভিরেজ ভোল্টেজ সময় কিছুই জানতাম না, এখন যেগুলো জানতে পারলাম আর মনে হয় না আর সেট কোনো দিন ব্যাক যাবে, সব সেট আপনার করে দিতে হবে। তো আবি আপ স্যাটিসফাই হ্যায় কি নেই বাতাও। পুরোপুরি হবে স্যাটিসফাই। বাঙাল কে লোক কো ক্যা বলোগে জরুর, মানে বাঙাল যত মিস্ত্রি আছে এরকম টেকনিশিয়ান আছে আমি বলবো এখানে আসলে जबलपुर से। मैं सर जब यहाँ आया था फर्स्ट डे तो मेरे को पहले थोड़ी घबराहट हुई, फ्रेशर था इसलिए, फर्स्ट डे 27 को जब डेमो क्लास ली तो थोड़ा ऐसा लगा इजी टाइप का कि भाई थोड़ा सीख सकते हैं, जब 28 को कंपोनेंट स्टार्ट हुआ हमारा फिर दूसरे दिन पहुँचा थोड़ा समझ में आया, जब पावर आई सी उठा के लगा दी तो लगा कि भैया अब तो बन जाएंगे अपन। फिर उसके बाद क्या रहता है सर, फिर कंटिन्यू क्लास चल रही, फिर सीपीयू जब 1 टाइम लगाया, मतलब जब पावर कर लिया उसके बाद सीपीयू जब 1 टाइम में लग गया तो जब हमारा कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, और बढ़ गया, धीरे धीरे सीखते गए। आपने बचो लाइट आईसी हो, आपने ग्राफिक्स आईसी हो, आपने नेटवर्क का आईसी हो, आपने रिंगर का आईसी हो, या फिर मैं बात करूँ हर आईसी उठाया कि नहीं सर? हर एक आईसी उठाई, और मेन चीज क्या है सर, हर एक आईसी उठाना ही जरूरी नहीं रहता है कि वो जिंदी है कि नहीं, डीएसओ
जो किसी ने चर्चा नहीं कि मैं उसकी चर्चा में कर, उससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारी आईसी सही है कि नहीं, नहीं तो कई लोग उठा के ही बैठ जाते हैं। इवन आपने डीएसओई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने उसके डाटा सीट भी बनाया। बिल्कुल सर। अब मुझे बताइए क्या हमने सिर्फ आया लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, नेटवर्क आईसी, डब्ल्यूटीआर, एसडीआर सिर्फ उठाया या अंदर का पाइपलाइन भी बनाया? डाटा सीट किस किस ने बनाई बताओ, सबसे बनवाई है बताओ एक लास्ट, और बाद में फिर हम। मैं गणेश सिंह उत्तराखंड से हूँ, मैं एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आया था यहाँ, लेकिन आप तो नहीं लगता हूँ कि मैं एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, आप तो नहीं लगता है कि मैं एज ए फ्रेशर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। सभी में दोस्त लोग जो हैं सब उनके बराबर हूँ जो पहले से काम करते थे। मैं ऐसा जो भी यहाँ एशिया टेलीकॉम, मैं सच बताऊँ अगर तुम स्किल में थोड़ा इनसे गए एक घंटा और मेहनत कर लोगे तो तुम इनसे भी आगे चले जाओगे, ये मानते हो कि नहीं? सर मानते हैं। मैं जब आता था, जब यहाँ मैंने देखा यहाँ के वीडियो, मेरे मन में यही था कि मैं यहाँ आके सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊंगा। मेरे जो मेरे रिलेटिव थे दोस्त लोग थे वो कहते इतने दूर, कि दिल्ली तो नज़दीक है इतने दूर इतने क्या करेगा वहाँ जाके दिल्ली में। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा मैं जब सीखना है तो वहीं सीखना है, ऐसा बन गए थे यहाँ ना। वीडियो तो दिल्ली के भी देखते हो? पूरा रिव्यू लिया मैंने, सभी इंस्टीट्यूट का रिव्यू लिया, तभी जाके मैंने यहाँ सेलेक्ट। तुम चाहते इवन हमारी फीस भी ज़्यादा है, दिल्ली के इंस्टीट्यूट की फीस भी कम है। हाँ मैडम है, नहीं फायदे बहुत होते हैं। फिर तो मैं वहाँ भी फीस भी कम थी, तब भी मैंने यहाँ चुना, अपने घर से दूर है। ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर रखा, तो यहाँ के जो भी स्टाफ है सर, जो भी सारे सर जो है बहुत अच्छे सर है, बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। अच्छा आप बताओ डेट सेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, पूरा समझ में आया डेट सेक्शन। डेट सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डेट सेक्शन क्या होता है यार, एक पीसीबी डेट है, अब इतनी सारी आईसी है, इतनी सारी वोल्टेज, इतनी सारी सप्लाई, तो कौन सा वोल्टेज सप्लाई ऐसा है जो कट हो गया जिसकी वजह से सेट ऑफ हो गया? तो पूरा डायग्नोस करके हम बता सकते हैं। डीसी मशीन रीडिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब डीसी मशीन रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये बताओ, अब कैसा लग रहा है डीसी मशीन? अभी तो पहले तो दुकान में रखा हुआ होता था। ठीक है लास्ट के दो हाँ जी बताओ, आओ आओ इधर आओ, आओ अच्छा टीवी के सामने ले लो, सो बुक का भी प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा सा, बताइए। हाँ मेरा नाम पवित्र गिरी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बोलो बोलो सर। वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल। तो मैं पहले एक मतलब मैं एक मोबाइल लेके गया था, इधर आने का रीजन है एक दूसरा है, मतलब मेरा एक मोबाइल था आज एक डेढ़ साल पहले। जी जी जी। तो मोबाइल में एक टेक्नीशियन के पास लेके गया था, तो उसका लाइट का प्रॉब्लम था, तो मैं बोला लाइट क्यों नहीं आ रहा, तो उसके पास लेके गया, तो वो मेरे को बहुत दिन घुमाया, 15 दिन घुमाया, तो मैं बोला तू लाइट का खाली? हाँ लाइट का। अच्छा। तो मैं बोला उसको तो तू मेरे को घुमा रहा है क्यों, तो मेरे को मोबाइल दे दे। तो बोला आईसी नहीं मिल रहा है। मैं बोला ठीक है तू टाइम बता मेरे को, 2 दिन चाहिए कि 4 दिन चाहिए, बोलता है और 2 दिन। तो 2 दिन के बाद वो नहीं कर पाया, मेरे को दे दिया। तो मैं सोचा अभी क्यों नहीं हो पाए, उसका मैं सोचा मैं एक दुकान में जाके सीखना चाहता हूँ, एक काम मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैं एक दुकान पर गया हूँ, मतलब 15 किलोमीटर दूर एक दुकान पर गया हूँ सीखने के लिए। उसको बोला जब मैं सीखना चाहता हूँ, तुम्हारा काम सीखना चाहता हूँ, इंटरेस्ट हूँ। तो मैं वो बोला ठीक है 4,000 रुपये लगेगा, सिखा दूंगा 6 महीना। तो ठीक है मैं सोचा ठीक है 6 महीना ऐसे ही मैं घर पे था तो ठीक है सीखूंगा। तो बोला ठीक है रोज़ आता ना, मैं रोज़ ही जाता था, मतलब सुबह से 9 बजे से जाता, रात को 10 बजे तक आता, उसके जो लंच टाइम आ जाता था, लंच टाइम घर के नज़दीक था। जी जी। तो मेरे को आता था, लेकिन वो क्या करता था, वो चार्जिंग सीसी मेरे को देता था, वही लगाता था, ईयर स्पीकर लगाता था, रिंग गार्ड लगाता था मेरे को, चार्जिंग कनेक्टर वाला टेक्नीशियन बना दिया था आपको, वो भी आया उसी का काम करता था दुकान में, तो वो कॉम्बो वगैरह लगाता था, पीडीए चेंज करता था। मैं बोला मतलब मोबाइल तो बहुत आता था उसके बाद, मतलब इसके पास कम से कम 200-300 मोबाइल स्टॉक में है। तो मैं उसको एक दिन पूछा तो इतना मोबाइल क्यों रखा है पास में, बोलता है ये सब नहीं बनेगा। मैं बोला क्यों नहीं बनेगा, क्या रीज़न क्या है इसका पता, बोलते हैं आईसी का काम है, आईसी का काम नहीं होगा। तो बोलता है, मैं बोला आप कितने साल कर रहे हो, बोलते हैं मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा 17 साल से वो कर रहे हैं, आईसी का काम किया ही नहीं है कभी। वो बोल रहा है मैं इससे पुराना, तो पुराना होना चाहिए ना, वो बोलता है नहीं किया। तो मैं बोला ठीक है इसके पास जितना मिलता है उतना करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा, मतलब और भी मेरे को चाहिए, उससे अंदर तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बोला मेरे को उसके अंदर तक जाना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता। ऐसे टेलीकॉम ऐसे ही है, मतलब मेरे को एक थ्योरी का मतलब क्या है ना, कोई भी चीज़ करो उसके पहले आपको नॉलेज तो जानना चाहिए, मतलब थ्योरी का नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपका थ्योरी नहीं ये पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है, कोई 2.8 वोल्टेज आ रहा है तो आ कैसे रहा है, सर्किट बोर्ड कैसे का आने के लिए रीजन क्या है, क्यों आता है और नहीं आया तो फिर क्यों नहीं आएगा। मोबाइल में एक ही बैटरी देता है 3.7, वो सारी जगह पे क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता, उसको अलग अलग क्यों भेज रहे हैं, मतलब अलग अलग वोल्टेज क्यों भेज रहे हैं। आज मुझे बताओ, 8 डैट सेक्शन हुआ कंप्लीट नहीं बात करूंगा क्योंकि बहुत भीड़ भरा वीडियो, आगे भी बात करूंगा। 8 डैट सेक्शन में कितना समझ में आया, सच बताइए। डेथ सेक्शन मेरे को अच्छे से समझ में आया, डेथ सेक्शन का रीजन क्या होता है, डेथ आप कैसे, डेथ सेक्शन कोई मोबाइल आया तो आप उसे फाइंड आउट कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मतलब अंदर तक पहले आया तो सीपीयू में हीट मत मारो, अभी कुछ करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब एसर टेलीकॉम के समझाने का तरीका कैसा है, क्योंकि समझा तो सारी दुनिया रही है डेट सेक्शन तो समझ में नहीं आ रहा है समझाने का। एसर टेलीकॉम को मैं देख के आया था, मैं थ्योरी क्लास देख के एक आया हूँ, मतलब जो थ्योरी मेरे को देखा था, आपने कहाँ पे देखा था और किनको देखा था एशिया टेलीकॉम में? एशिया टेलीकॉम थ्योरी में देव सर का देखता था, देव सर का वीडियो मैं बहुत देखा हूँ, उनका थ्योरी पढ़ाने का एक तरीका अलग है तो मैं वही चाहता था, मेरे को बस थ्योरी का इंटरेस्ट बहुत है। पहले मैं सोचता हूँ कोई भी आईसी एक दिन में कोई ट्रिक बता देगा ना, वो दूसरे दिन, एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीन दिन में हो जाता है, लेकिन थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी। थ्योरी होएगा ना आप एक साल में आपका हैंड स्किल अपने आप हो जाता है, बहुत 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 अच्छी बात कही। पहले बताओ अपना नाम क्या है, ये क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार है, बताओ लो मैं पढ़ लेता हूँ, ये क्या है ये बताओ, इस बुक की खासियत क्या है? हाँ मुझे बताओ, बुक का खासियत ये है कि सर का ये पूरा मेहनत है क्या लिखा हुआ है, कहीं भी इसमें का जो भी है, इसमें कुछ पढ़ा भी हूँ मैं जी, सर का जो इसमें जो भी है कहीं से देख करके नहीं लिखा गया है, सर का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल सारा चीज है इसमें, सर का मेहनत है ये। मतलब अगर कोई टेक्नीशियन ले तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है उसको, मिल सकता है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं आईसीओ के नॉलेज, वोल्टेज की नॉलेज, सप्लाई के साथ डायग्राम के साथ हर चीज का, हर चीज आईसी का डाटा सीट, डबल डेकर तक, डबल डेकर का, और देखो आईसी का डाटा सीट, साथ में आपको बताऊं टेक्निकल को, बूट सीक्वेंस, क्वालकॉम का बूट सीक्वेंस यहाँ पे आप डालेंगे, ये देखिए पूरा, ये पूरा हैंड रिटन जो मैंने नोट सब यहाँ पर एक एक करके, और पूरा कॉपी है मेरे पास, एक एक चीज इसमें रिसर्च किया हुआ है। और ये देखो टेक्नो का चार्जिंग, मैं बताऊं जो जिसको बोलते हैं टेक्नो का चार्जिंग, वो पूरा डाला हुआ है, देखो टेक्नो एमटीके डबल ट्रांजिस्टर का चार्जिंग, ये देखो टेक्नो डबल ट्रांजिस्टर का चार्जिंग जो मैं आने वाले अपडेट में आपको दूंगा। आप सर जो भी बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, रिसर्च किया हुआ और प्रूफ करके दिखाते हैं, हर एक चीज़ डीप नॉलेज के साथ बताते हैं, और हर एक टेक्नीशियन के पास डीप नॉलेज होना चाहिए जी। हर एक डेड हो या हर एक सेक्शन हो, कोई भी डे बाय डे इनका जो पढ़ाने का तरीका है और शेड्यूल है, उस तरीके से बहुत ही मैं मतलब खुश हूँ। अच्छा मुझे बताओ आजकल इंडिया में क्या चल रहा है पैटर्न पढ़ाने का, क्यों ऐसा हो रहा है, इंस्टीट्यूट घूम के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं? देखिए सर, जो सर रिसर्च करके कैसे लड़के को पढ़ाना है वो भी रिसर्च करते हैं सर, कि कैसे लड़का एक पढ़ लेगा अच्छा से, वो एकदम हार्ड काम भी इजी तरीके से ऐसे बताते हैं, हर एक टीचर इजी तरीके से बताते हैं, ये बहुत हमारे हिसाब से बहुत इजी है। मतलब मैं 10 साल से काम करता हूँ इस फील्ड में, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने का भी एक गुण होना चाहिए जो कि सर में है, और थैंक यू, कोई नहीं पढ़ा सकता ये, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। आप काम कर सकते हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते, चलिए थैंक यू वेरी मच, बैठिए आप लोग, तो इधर आ जाओ कैमरा दे दो सर को, तो भाई साइन ऑफ करेंगे इस वीडियो के साथ, और क्योंकि हमें लाइव प्रैक्टिकल जो भी डायग्नोस किया यहाँ पर, हमको खुद को प्रैक्टिकल करना है कि नहीं करना है, जहाँ पर जाने का कोई टाइम तो निर्धारित नहीं है ना, कि 8 बजे शटर लगानी है, ना शटर है हमारे पास और ना ही हम जाने देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जाने का ही मन नहीं करता है, पढ़ाई करने के बाद रिसर्च आईसी के लिए, यहाँ पर कितना लोग ऐसे है जो घर को कॉल नहीं कर पाते पूरे दिन भर, जाने का मन उसका काम करता है जिसका, उसको जाने का मन करता है जिसको समझ में नहीं आता है, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो जाने का मन करेगा। और दिनचर्या बदल दी, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, लास्ट बता रहा हूं, बताओ
और डिसिप्लिन सीखने को मिला कि नहीं मिला? और आज डिसिप्लिन ही है कि आज आप डे वन से लेकर अब तक आपने रिजल्ट निकाला है, और डिसिप्लिन है जो आप अभी से लेकर 23 तारीख तक ड्यूअल डे तक रिजल्ट निकालोगे, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड वीडियो देखते रहिएगा, और ये बुक को लेना है तो सीधा वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे बाय कीजिए, अभी डिस्काउंट में चल रहा है, अभी मैं इसको बुक, हालांकि ये नई वाली बुक है, 2500 रुपये में मिलेगी, और अभी इसकी जो है ना थोड़ा अपडेट करने वाली वेबसाइट, हाँ पुरानी वाली बुक का है, मैं बताने वाला क्योंकि मेरा जो ये वेबसाइट बनवाता है डेवलपर, ये मैंने वेबसाइट मैंने नहीं बनाई, मैंने 18 वेबसाइट बनाई है भाई, पर ये वेबसाइट मैंने अपने एक दोस्त से बनाई है, दोस्त ने मतलब एक जूनियर है, सो वो बेचारे अभी उसका पैर का एक्सीडेंट हो गया है, उसने हाल में मेरे को एक्सरे भेजा हुआ है, बट वो इसको अपडेट करने वाला है, सो मेरे भाई ये बुक 2500 रुपये में मिलेगी, और थोड़ा डिस्काउंट में फिलहाल 2000 रुपये में मैं दे दूंगा फिलहाल डिस्काउंट के साथ, और उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम सीख सकते हो, अगर तुम्हें बाकी में लगता है तुम्हें सीखना, तो पहली बात तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस से तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना यहाँ पर क्या पढ़े कर लूँ, कोई भी टीचर कर लूँ, तुम जब तक सीखना अंदर से नहीं चाहोगे, तुम अगर अंदर से मरे रहोगे तुम्हें कोई जिंदा नहीं कर सकता। डॉक्टर भी क्या कहता है कि इनके अंदर भी शक्ति होनी चाहिए जिंदा होने की, ये कहता है ना, और ये कॉन्फिडेंस इनमें कूट कूट के भरा है, इस बार की जोरदार ताली बजाऊंगा यार, मानना पड़ेगा, विश्वास करके आए हैं और विश्वास करके आज पा भी रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो देखने के लिए अभी भैया जाना है, और रात का भी लाइव देखिएगा, और यही कहना चाहूँगा, ये बात आप हिंदुस्तान बोल रहा है, ये बात मेरी क्लास बोल रही है, तो ये बात आपको भी मनवाऊंगा, और ये बात क्या है कि मैं सबके साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे बताओ वाकई में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, एक बार बिल्डिंग को हिलाएंगे हम, फिर से बताओ इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, थैंक यू वेरी मच, चलो थैंक यू, कट करो।